ये कहानी है देवों के देव महादेव के बाल रूप और उनकी महाभक्त महासती माता अनसुईया की, जो राज्य में पड़े अकाल त्रासदी से मुक्ति हेतु महादेव का तप कर रही है। ओम नमः शिवाय। शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं महादेव। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं आशीर्वाद का कवच देती है माता। नारद मुनि आप इस नए रूप में तीर्थाटन छोड़ भिक्षाटन आरंभ कर दिया क्या आपने? हाँ ऋषि भृंगी, इस कटोरी के साथ मैं महादेव की शरण और सहारे की भिक्षा मांगने आया हूं। मैंने नारायण को छोड़ दिया है, सदा सदा के लिए छोड़ दिया, और महादेव की शरण में आ गया हूं। रुको ऋषि पुत्र, यहां नहीं, हमसे अलग बैठो। नहीं राजकुमार, मैं यहीं बैठूंगा। ये क्या कर रहे हो जयंत? आसन। आचार्य, ये ऋषिपुत्र मेरे समीप बैठने का दुस्साहस कर रहा है। ये गुरुकुल है जयंत, यहाँ सब समान है। क्षमा करे गुरुदेव, मैं समानता के लिए किसी और की पाव की धूल को चंदन समझ के अपने माथे का तिलक नहीं बना सकता। हमारे और इसके बीच का अंतर कोई नहीं मिटा सकता आचार्य। जयंत बैठे रहो। तुम्हारी अशिष्टता और अनुशासनहीनता का ये दंड है कि तुम मातंड सहित अपने कक्षा के सभी सहपाठियों के लिए जल की व्यवस्था करोगे। मैं? हाँ जयंत, समानता की सही अर्थ को जानने के लिए तुम ये कार्य पूरी तन्मयता के साथ निभाओगे, यही आशा करती हूँ मैं। अब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को सूचना भेजने का समय आ गया है। माता, स्पर्श भी मत कीजिएगा मेरे पुत्र को। माता
कुलपति महोदया, माँ वो होती है जो अपने पुत्र की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर दे, परंतु यहाँ यहाँ तो छोटी छोटी भूल के लिए भी कोमल बालकों को दंड दिया जाता है। कैसी विडंबना है, जिसे भाग्य ने माता बनने का अवसर ही नहीं दिया वो स्वयं आज गुरुकुल के छात्रों के भाग्य की विधाता बन बैठी है। ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी, आपको अपने इस कृत्य का उत्तर महासभा में देना होगा। ये सारा दोष गुरुकुल की प्रबंधन समिति का है, जिन्हें कोई दूसरा योग्य आचार्य नहीं मिला कुलपति पद के लिए और सौंप दिया गुरुकुल के छात्रों का भाग्य एक बांझ के हाथों में। एक बांझ को कुलपति पद पर बैठाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है। इन्हें इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अस्वीकार करती हूँ और इन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखती हूँ। उपस्थित सभा सदन के समक्ष मैं घोषणा करती हूँ, मैं निर्बल नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मैं महासती हूं, महासती अनुसूया। मुझ में इतनी शक्ति है, यदि मैं चाहूं तो अपने सतीत्व के बल पर मैं सूरज को रोक लूं, पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दूं, बड़े से बड़े तूफान को नियंत्रित कर दूं। यदि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं तो वो है मेरे गर्भ धारण करना और इसे क्षमता के कारण मैं शापित हो गई, अब शकुनी हो गई। विधाता अर्थात त्रिदेव को मेरा भाग्य बदलना होगा। अब त्रिदेव को मेरी ममता की गोद में, मेरे संतान के रूप में आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। मैं महासती अनुसूया दसों दिशाओं यहां उपस्थित सभी देवी देवताओं और आचार्यों को साक्षी मानकर त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ, प्रण। हे त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का संकल्प करके मैं महासती अनुसूया शिव के पंचाक्षर मंत्र का कोटि कोटि जाप करूंगी और जब तक पूर्ण नहीं करती हूँ मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सती के वचन और उसके जब तक का फल
अवश्य प्रदान करेंगे। आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे अपमानित मातृत्व को संपूर्ण करेंगे। समय आ गया है पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के एकाकार होने का, ताकि तुम उस सुख का अनुभव कर सको जिसके लिए हम बार बार कई कई रूपों और जन्मों से मिलते और बिछड़ते आए हैं। हमारे महामिलन का समय आ गया है पार्वती। मैं चाहता हूं कि प्रेम के उस विराट और अति सुंदर रूप से तुम परिचित हो सको। आज शिव और पार्वती का मिलन है, मिलनोत्सव। ऐसी धारणा है कि ये मिलन उन दोनों को एक कर देगा और समान रूप से उन्हें शक्तिशाली बना देगा। नहीं नहीं देवर्षि, वे दोनों एक नहीं हो सकते, कदापि नहीं। मान लीजिए यदि माता पार्वती ने ही कोई ऐसी लीला रच दी जिसके फलस्वरूप उनका एकाकार स्वरूप प्रकट हो जाए, तब क्या करेंगे? तो उस एकाकार स्वरूप को काट डालूंगा और काट कर अलग कर दूंगा अपने महादेव को, परंतु माता पार्वती को पूज्य तो नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। यदि आज आपके तीसरे नेत्र की भी ज्वाला झेलनी पड़ी तब भी मैं इस महामिलन को रोकूंगा। अरे ऋषि भृंगी, आप यहां इस रात्रि में? आज महादेव के महामिलन की रात्रि है, इसलिए यहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। बचाना होगा अपने कैलाश को, बदलने से बचाना होगा पुष्प दंत, इस महामिलन को रोकना होगा। क्षमा करिएगा ऋषिवर,
इससे आगे आप केवल मेरे शव को पार करके ही जा सकते हैं। पुष्पदन, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। ऋषि भृंगी, नंदी को बुलाना ही होगा। शिवरिंगी, माता के प्रति तुम्हारे अपमान के दंश की आज अति हो गई। मेरे श्राप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आज आपने न केवल शिव शक्ति के मिलन में बाधा डाली है, अपितु उन्हें अलग करने का अक्षम्य अपराध भी किया है। रुक जाओ पार्वती। मत रोकिए मुझे। आज की घटना का कारण भृंगी नहीं है पार्वती। तो कौन है? पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। इसका अभिप्राय ये है कि अयोग्यता मुझ में है। क्रोध विवेक को हर लेता है पार्वती। क्षमा कर महादेव। मैं भूल गई थी कि वो पत्नी जो अयोग्य हो उसे क्रोध करने का अधिकार नहीं है। मैं जा रही कैलाश को और आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं। Thank you.
महादेव स्वयंभू है। उनके जीवन के हर घटनाक्रम में कोई महान लीला छुपी होती है। परंतु स्वामी, बहन पार्वती विंध्याचल पर्वत पर अकेली है, उन्हें सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं। मैं उनके पास जाकर उनका दुख बांटना चाहती हूँ। अवश्य देवी, बहन पार्वती का विंध्याचल जाना और देवी अनुसुईया का तप, ये दोनों घटनाएं शिव की उस महान लीला का शुभारंभ है जिससे इस विश्व को शिव के एक नए रूप का दर्शन होगा। स्वयं को संभालो बहन पार्वती। हाँ बहन, रोक लो अपने अश्रुजलों को। कई स्थानों पर मुझे भी नारायण के कारण दुख का अनुभव हुआ था। इसी वन में उन्होंने मुझे मालिन बनने का शाप दिया। शाप? हाँ बहन पार्वती, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे दंड का भागी होना पड़ा। ओहो, माता लक्ष्मी भी माता पार्वती को नारायण के दोषों से अवगत करा रही है। ये उचित समय है इस बात का लाभ उठाने का। मुझे अतिरिक्त परिश्रम करने से माता लक्ष्मी ने बचा लिया। नारद, बस अब अधिक विलंब मत कर। नारायण को भी तो पता चले कि एक सन्यासी क्या कर सकता है। प्रणाम माताओं। मुझे बहुत भूख लगी है माता। आसपास कुछ है नहीं, भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैं भोजन की सामग्री साथ लेकर आया हूं। कृपा करके इसे पका दीजिए ताकि मैं अपनी शुद्धा शांत कर सकूं। लोहे के चने? भला लोहे के चने भी कोई पका सकता है क्या? देव ऋषि, आप अपनी मूर्ता का परिचय दे रहे हैं। सारे संसार में इन लोहे के चनों को लेकर घूमते रह जाइएगा, इन्हें कोई नहीं पका सकता। नहीं माते, मुझे लगता है कि महासती अनुसुईया इस असंभव कार्य को अवश्य संभव कर सकती है। सुना है कि वे त्रिदेवों को संतान रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। देव ऋषि नारद, त्रिदेव को पुत्र के रूप में पाने में वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जाइए, जाकर कहिए उनसे कि अपनी महासती की शक्ति से इन लोहे के चनों को पका कर दिखाए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा माता। सवा सौ करोड़ मंत्रों के जाप करने का मेरा संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब आप त्रिदेवों को मेरे पुत्र के रूप में आकर मेरा संकल्प पूरा करना होगा। माता,
महासती अनुसुईया को नारद का प्रणाम। सारे संसार में भ्रमण करने वाले देव ऋषि आज इस और कैसे? आज मुझे भोजन में चने ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोई पकाए तब तो ग्रहण करूं। आश्चर्य, किसी ने आपके चने नहीं पकाए? लाइए दीजिए, मैं पका देती हूं। ये तो लोहे के चने हैं। हाँ माता, संभवतः इसीलिए त्रिदेवियों ने इन्हें पकाने में अपनी असमर्थता जताई। नहीं देव ऋषि, वे त्रिदेविया है, उनके पास अपार शक्ति है, वे चाहती तो पका सकती थी। किंतु पकाए तो नहीं ना। जब भूख सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन्हें लेकर महासती अनुसुईया के पास जाता हूँ, वे अवश्य इन्हें पका देंगी। तब उन्होंने व्यंग भी किया। देव ऋषि, त्रिदेवियों के व्यंग से ना ही मेरा विश्वास डगमगाएगा और ना ही मेरी आस्था टूटेगी। कर्म मेरी शक्ति है और धर्म मेरी पहचान। दीजिए, मैं पका देती हूं ताकि आप अपनी भूख को शांत करें। और उनका संकल्प भी पूरा हुआ। उन्होंने आप तीनों के लिए एक चुनौती भरा संदेश भेजा है। संदेश? महासती अनुसुईया ने कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोहे के चने पका दिए, उसी प्रकार वो त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करके दिखाएंगे। यदि अनुसुईया ने सचमुच ऐसा कर दिया तो हमें महासती अनुसुईया को रोकना होगा। महासती अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। महादेव के पास मेरा एक संदेश पत्र लेकर जाइए और उनसे कहिएगा ये संदेश केवल उनके लिए नहीं अपितु त्रिदेवों के लिए भी है। कैसा संदेश बहन? निश्चिंत रहो, मेरा संदेश ही महासती अनुसुईया के तप से जन्मे संकट को दूर कर सकता है। इस प्रस्ताव को स्वीकारने का अर्थ है एक बहुत बड़े अनर्थ को निमंत्रण देना। महादेव, अब आप इस विकट परिस्थिति में कोई उचित मार्ग दिखाइए। प्रभु को माता पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार है और दोनों देवों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अब तो चलेंगे ना माता? जाओ, जाकर संदेश दे देना, मैं अविलंब आऊंगी। जो आज्ञा माता। अब टूटेगा उस तथा कथित महासती अनुसुईया का अहंकार। अब होगी देवी अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा।
अब मुझे कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। तुम्हारे कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है प्रिय। गई तो थी मैं रूठकर, परंतु आपके बिना रह नहीं पाई। मेरा हर एक पल इसी पल की प्रतीक्षा में बीतता रहा कि कब आप मुझे बुलाएं और मैं लौट आऊं। और अंततः आपने मुझे बुला लिया और तुम आ गए। और सच तो ये है कि मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दूर तो मैं भी तुमसे नहीं रह सकता पार्वती, कदापि नहीं रह सकता। परंतु तुम्हारे प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए यदि कल मैं गया और लौटने में विलंब हो गया तो मेरे बिना लंबे समय तक आप कहीं और निवास कर ही नहीं सकते। एक परीक्षा लेने ही तो जा रहे हैं, समय ही कितना लगेगा। पार्वती, परीक्षा लेने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है, और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौट कर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा महादेव? कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही माता। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साक्षात ब्रह्मदेव हमारे आंगन में, निश्चित ही ये हमारी कोई परीक्षा लेने आए हैं। भोजन तैयार है ऋषिवर, पधारिए। हम भोजन तभी करेंगे देवी।
जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। निर्वाण भिक्षा, इसका तात्पर्य है मुझे सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा, वस्त्रों का भी। मेरे महादेव मुझसे निर्वाण भिक्षा मांग रहे, त्रिदेव स्वयं ऐसा चाहते। महासती के रूप में जो कुछ भी तप से भक्ति से मैंने पाया है, मैं उसे साक्षी मानकर निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ। पधारियो, मैं निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ। दूंगी मैं निर्वाण भिक्षा, पधारिए। यदि मैं मन वचन और कर्म से पतिव्रता हूँ और सदा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए। और सती अनुसुया के, और सती अनुसुया के लाज और वचन की, और वचन की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अंधकार क्यों छा गया? ये क्या आश्चर्य? अंततः ये परीक्षा भी मेरे उद्धार के लिए थी ना, मेरे पुत्र बनकर आपने मेरे बांझपन को समाप्त कर दिया महादेव। मैं कैसे आपके इस बाल रूप का आभार व्यक्त करूं महादेव?
आरती, अर्चना, अभिषेक, मंत्रोच्चार क्या करूं? चले गए सब। माँ, मैं यहाँ हूँ। शिव कहाँ है? शिव, शिव कहाँ चला गया? ममता के आंचल का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है माँ। जैसा भी हूँ माँ, पुत्र हो तुम्हारा, तुम मेरी माता हो। मैं तो आप त्रिदेवियों से अनुरोध करने आया हूं कि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में उनकी अर्धांगिनी होने के नाते अब आप तीनों को ही सृष्टि का संचालन कार्य संभालना होगा। देवराज इंद्र, सृष्टि संचालन का कार्य त्रिदेवों का है, इसीलिए ये कार्य वही करेंगे। क्योंकि त्रिदेवों को निर्वाण भिक्षा के लिए भेजने की इच्छा मेरी थी, इसलिए उनको वापस लाने का दायित्व भी मेरा है। चिंतित ना हो, मैं उन्हें शीघ्र लेकर आऊंगी। यदि ऐसा है तो हमारी चिंता और समस्या दोनों ही दूर हो गई माता। क्षमा करें माता, आप तीनों माताओं के प्रयास का परिणाम हम सब देख चुके हैं। मेरे विचार से अब किसी और को प्रयास करना चाहिए। बस कीजिए नारद मुनि, अपने विचार अपने पास ही रखें।
आपके विचार विचार नहीं, विनाश के विस्फोटक हैं। जब से हमारे कैलाश पर आए, कैलाश का मूल स्वभाव ही नष्ट हो गया है। मुझे तो संदेह होता है, ये सब खेल आपका ही रचा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि भृंगी? आज आपको क्या हो गया है? संदेह का बीज मेरे हृदय में पनप गया है। त्रिदेव की सौगंध खा के कहिए कि ये सब खेल आपका रचा हुआ नहीं है। देव ऋषि मुख क्यों हो गए? खाइए सौगंध, अन्यथा अपनी विनाशकारी रचना को स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं। नारद, यदि तुम बहन सरस्वती के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण श्राप दे। नहीं नहीं माता, मुझे श्राप ना दे, मुझे श्राप ना दे माता, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो नारद। भले ही बहन पार्वती ने तुम्हें क्षमादान दे दिया हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। और तब तक अपने मूल स्वरूप में ना आओ जब तक तुम अपने प्रयासों से ईश्वर को ना समझ लो। जा दुष्ट जा। ये कौन है? कौन हो तुम पुत्र? आप कौन है? ये मेरी माँ है और माँ इसका नाम मूढ़ है। इसे अपने नाम के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं। हम पता करके तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। तो माँ इसको भी लेकर चलते हैं ना घर। शिव कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ होती है, सब इच्छा है महादेव की। है ना माँ? महादेव की इच्छा है महादेव की। चलो महादेव की सब इच्छा है महादेव की। समझता हूं मैं मां की ममता को, तभी तो तुम्हें बंदी नहीं बनाया, तुम्हारे बच्चों को बनाया। वो
करना बंद कर और काम की बात सुन। अगर तू अपने बच्चों को जीवित देखना चाहती है तो एक बच्चे पर आक्रमण कर, उसका वध कर। करेगी ना? नहीं। उस बाल शिव की हत्या या फिर तेरे बच्चों की मृत्यु, निर्णय तेरा है। करेगी ना? अब करेगी। आप जानते हैं प्रभु, मैं विवश हूं, परंतु मैं पशु होकर पशुपतिनाथ पर आक्रमण कैसे कर सकती हूं? चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु, जब स्वयं पशुपतिनाथ मेरे शिशुओं का दायित्व ले रहे हैं तो मुझे मेरे इस शरीर से मुक्त करें प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान करें। कितनी बार कहा है मैंने, अकेले बाहर मत जाया कर, यदि कुछ हो जाता तुझे तो क्या करती मैं, कैसे जीती? जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है माँ?
क्षेत्र मेरी माँ का है, उनके गुरुकुल का है। तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो। शिव, हाँ माँ, इस समय मध्यरात्रि में तू यहाँ क्या कर रहे? ये निद्रा का समय है ना? हाँ माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। परंतु निद्रा भी आवश्यक है ना? हाँ माँ। चल, मैं तुझे आज यहीं सुला देती हूँ। शिव। हाँ माँ। तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। निकट भी हो कर कोसों परे इतनी शांति से वह अनुसुईया भी मृत्यु को प्राप्त होगी। इस महाविश तत्क्षण मरेगी वो, और बाल शिव की शक्ति परीक्षण की मेरी यह योजना सफल बनाएगी। विशांक, ये कार्य मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि केवल तुम ही हो जो इस विष को अपने कंठ में रख सकता है। अब इस महाविष को बड़ी सावधानी के साथ लेकर जाओ और अनसुईया के घर में किसी भी वस्तु में मिला दो। मृत्यु का वर्ण करने आ रही है। माँ, 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 ये मूर्ख बालक कौन है जो मेरे मार्ग का काटा बन रहा है? पहले मैं स्वच्छ हो लूं माँ। माँ,
शधर भुजंग जिसके गले में रहे, भले उसके सामने विष की नदी बहे, स्पर्श से हर बुंद स्वयं में जो समाले, स्थान विष का कंठ में जो अपने बना ले। है धन्य वो अनन्य नील कंठेश्वरा, धन्य वो अनन्य नील कंठेश्वरा, शिव 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 शंकरा, विष को तो इस बाल शिव ने निरस्त कर दिया, असुर राज अंधक को सूचित करना पड़ेगा। असुर राज अंधक की जय, 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 असुर राज अंधक की जय। मेरे अंधेरों की संतानों, हमारे साथ छल करने के लिए एवं देवताओं की सहायता करने के लिए वो त्रिदेव नहीं है, वे अपनी स्मृतियां भूल चुके हैं, और उधर कैलाश पर पार्वती अकेली शक्तिहीन होकर बैठी है, और पार्वती को अपने वश में करना अंधक के लिए ना तो कठिन है और ना ही असंभव। जब शिव की शक्ति पार्वती अंधक के वश में होगी तो पूरा संसार अंधक की भक्ति में लीन होगा और हम असुरों को देवताओं की भांति पूरा संसार पूजेगा। तो पहले आक्रमण करेंगे कैलाश पर और फिर देवासुर संग्राम तुम्लात होगा। असुर राज अंधक की, 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 असुर राज अंधक की। ये है समय का चक्र, आओ पार्वती, आओ अंधक के शरण में अनाथ पार्वती का स्वागत है। यहां आने का कारण? धन धरा और स्त्री, यही तो तीन कारण है युद्ध के। यही तीन कारण है पतन और अंत के भी। टक्कर बराबरी की है, युद्ध हो या समझौता, बराबरी में शोभा देता है। ये क्षेत्र शिव का है, इस क्षेत्र में युद्ध वर्जित है। यानी समझौता चाहिए आपको, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यदि देवी मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो समझौते की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकार है या तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटते हुए अपने साथ लेकर चलो। अंधक! अंधक!
काली। पुष्पदंत, माता ने अंधा का अंत कर दिया। आ काली, आ आ प्रहार कर मुझ पर, आ आ। अब फंसी तू मायावी अंधक के माया जाल में। अब देख काली, मैं तुझे कैसे बंदी बनाता हूं। पुष्पदंत, माता को हमें जाल फेंकने की सूचना देनी होगी। माता! बनना स्वीकार कर लो। यदि हाँ है तो तू स्वतंत्र होगी, और यदि ना है तो आज तेरा अंत निश्चित है। अंत तो तेरा होगा दुष्ट। पुष्पदंत, हमें भी इस मायावी बंधन से मुक्त होने के लिए माता के निकट जाना होगा। परंतु निकट जाने में तो प्राणों का संकट है, और माता अपने इस रौद्र रूप में किसी को पहचानती नहीं है। ये सत्य है पुष्पदंत कि इस अवस्था में माता काली को केवल हमारे प्रभु ही शांत कर सकते हैं, परंतु प्रभु अभी है नहीं तो हमारा जीवन तो ऐसे ही संकट में है। और यदि हमने माता का स्पर्श कर लिया तो इस मायावी दुष्ट के बंधन से तो हम मुक्त हो जाएंगे ना। समझ रहे हो पुष्पदंत?
चलो। विश्वासुर आ गया। असुराज अनुसुया को यहां लेकर आओ। इस समय एक सामान्य स्त्री के आने से क्या लाभ होगा असुराज? उस अनुसुया के यहां आने से मेरा लक्ष्य बाल शिव उसके पीछे पीछे यहां तक चला आएगा, जैसे गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा। उसके यहां आने से बाल शिव के अंत की मेरी ये योजना सफल होगी। तो जाओ, शीघ्र जाओ और अनुसुईया को यहां यहां मेरे सामने लेकर आओ, ताकि उस काली के सामने उस बाल शिव की बलि चढ़ाकर मैं उस काली को अपने वश में कर सकूं। जाओ, तब तक मैं उस काली को अपनी शक्तियों से रोकता हूं। जो आज्ञा सुराज। कौन हो सकता है इस समय? देव, देव, देव रुको। देव, देव कहाँ हो? देव, कदाचित माता संकट में है। कमर है काली, अविनाशी है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। परंतु आज तेरे हाथों बाल शिव का अंत होके रहेगा। बस कुछ क्षण और विश्वासुर बाल शिव को लेकर आता ही होगा। आज तू जीवित नहीं बचेगी मेरे हाथों काली। अनुसुईया अगर यहां है तो वो बाल शिव भी यहां अवश्य आएगा। Yeah.
पुष्पदंत, प्रभु आ गए। माता के काली स्वरूप का क्रोध अब शांत हो जाएगा पुष्पदंत। परंतु प्रभु की स्मृति तो लुप्त है। हाँ, अब क्या होगा पुष्पदंत? यदि उनकी स्मृति नहीं आई तो माता के काली स्वरूप का शांत होना असंभव है। माता काली शांत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है माता काली ने मेरे प्रभु को पहचान लिया। निश्चित ही महादेव की स्मृति को पुनः जागृत कर देगा। हाँ बहन, अब स्थिति पूर्वता होने की दिशा में अग्रसर होता दिख रहा है। क्या देख रहे हैं आप? आपने अपनी पार्वती को पहचाना नहीं? क्षमा कीजिए देवी, स्मरण नहीं आपको मेरा ये रूप? कभी नहीं भूल सकता, वो रूप बहुत भयानक था। आपको मेरा वो स्वरूप स्मरण है, पर ये रूप कहिए कि नहीं जानते आप मुझे? नहीं जानते स्वयं को? मैं जानता हूँ स्वयं को। मैं माता अनुसुईया का पुत्र शिव हूँ। आपको नहीं जानता देवी। बस कीजिए महादेव, बस कीजिए। जब आप मेरे काली रूप के क्रोध का शमन कर सकते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको स्मरण नहीं कि आप ही महादेव हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए महादेव। आपको स्मरण है? कहिए, बोलिए, कहिए महादेव। बस कीजिए देवी पार्वती, बस कीजिए। मेरा पुत्र भयभीत हो रहा है, इसे और भयभीत मत कीजिए। बस, मेरे शिव और मेरे बीच आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शिव की मां होने का भ्रम त्याग दीजिए और उन्हें बंधन मुक्त कर दीजिए। एक क्षण देवी पार्वती,
शिव। आप क्या माँ? घर जा, घर जाके अपनी माता की प्रतीक्षा कर। ये कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना महादेव। माँ की आज्ञा है, जाना होगा। मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं डाल सकता देवी। परंतु आप क्रोध ना करें, आप हमारे घर आएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, आप? असुरराज अंधक के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसके शरीर से काली के खड़क का प्रभाव समाप्त करना होगा। मैंने तुम सभी लोगों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ के उपरांत कैलाश की सीमा शुरू हो रही है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं शिव की अर्धांगिनी तब तक कैलाश वापस नहीं लौटूंगी जब तक मैं अपने शिव को उनके बाल रूप से मूल स्वरूप में वापस ना ले जाऊं। माता, ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। इस बार मैं अपने शिव के बिना कैलाश नहीं लौटूंगी। बिना मुझे सूचित किए तुमने कैलाश पर आक्रमण किया, क्यों? मेरी समाधि का लाभ उठाया तुमने, और वो भी कैलाश पर आक्रमण। शिवद्रोही हो तुम अंधक, शिवद्रोही। क्षमा क्षमा, मां शक्तिशाली असुरराज अंधक को जीवित रहने के लिए किसी मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं। मेरा जीवन मेरी मुट्ठी में है। एक बार काली के प्रहार से बच गया तो भी तेरा अहंकार समाप्त नहीं हुआ है। मूर्ख और लोभी को समझाना व्यर्थ है, इसे प्रलोभन देकर भटकाना होगा। क्या हुआ गुरुदेव, किस सोच में डूब गए? सोच रहा था कौन सा सही मार्ग होगा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो बताइए गुरुदेव, बताइए ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर अंधक पूरे संसार का स्वामी बन जाएगा? कैलाश का नहीं, स्वर्ग का। स्वर्ग? तात्पर्य क्या है आपका? मेरा तात्पर्य यह है अंधक कि तुम कैलाश पर नहीं स्वर्ग पर आक्रमण करो। चूंकि त्रिदेव ने बालक का रूप धारण कर लिया है इसलिए वहां पर छुपे हुए असुरक्षित अमृत कोश को अपने अधिकार में ले लो।
फिर तुम्हें इस संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब से अंधक का लक्ष्य होगा अमृत कोश को प्राप्त करना, और मेरा लक्ष्य है तेरा अंत। जैसे ही तू स्वर्ग के अमृत को पाने का प्रयास करेगा, त्रिदेव तत्काल उसकी रक्षा हेतु अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। माता, माता, क्या बात है? तुम लोग ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सूचना देने, हमारे घर के बाहर एक भवन का निर्माण हुआ है, स्वयं देख लीजिए। चलो। प्रणाम देवी अनुसुईया, आज से मैं आपकी पड़ोसी हूँ। पता है आप यहाँ रहने आई हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, भूल जाइए। आपके इस परिवर्तन का कारण क्या है? आपके बाल शिव ने कहा था, एक बार हमारे घर आइए, आपको शांति का अनुभव होगा। मैं अपने अशांत मन को समझाने के लिए आपके समीप रहने आ गई। आशा करती हूँ ये आपको स्वीकार्य होगा। अवश्य देवी, आपको जहाँ शांति मिले वहां रहने का आपको अधिकार है। इसीलिए तो पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए मैं आपके लिए विशेष उपहार लेकर आई हूँ। स्वीकार कीजिए। बालकों पर बहुत अच्छा प्रभाव है आपका, परंतु मेरे विचार से यदि कोई अपना प्रेम स्वरूप कोई उपहार दे तो उसके लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पुत्र, इनके हाथ से उपहार ले लो, ये मेरी आज्ञा है। और ये उपहार विशेषकर आपके लिए। ये गेंद? माँ, आज हम इस गेंद से खेलेंगे। चलिए मेरे घर चलिए, हम सब साथ में खेलेंगे। परंतु आपके घर जाने के लिए तो मुझे अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। आपने अपने बालकों को पूर्णतः अपनी आज्ञा के बंधन से बांध रखा है देवी अनुसुईया। नहीं देवी पार्वती, यह आज्ञा का बंधन नहीं है, यह तो ममता का बंधन है। एक ऐसा बंधन कि कोई भी मेरे पुत्र को प्रलोभन देकर प्रभावित नहीं कर सकता। और मेरे भोले शिव को तो कदापि नहीं।
अन्यथा ना ले, ये फिर कभी आपके घर आ जाएंगे। सामने ही तो है, अभी अभ्यास का समय है। वैसे आप कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? दिन निश्चित नहीं है, केवल उद्देश्य निश्चित है। उद्देश्य अपने महादेव को पुनः प्राप्त करने का, प्रेम और भक्ति से। ये क्या है गुरुदेव? किसे ढूंढ रहे हो? क्या है ये गुरुदेव? माया, माया का प्रयोग करो अंधक, इसकी छद्म शक्ति बहुत उपयोगी है। तुम्हारे लिए यह कार्य मायासुर करेगा। नंदी, नंदी जी। जी माता। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ माता, अन्नपूर्णा का इतने भाव से बनाया हुआ भोजन मेरे प्रभु ग्रहण कैसे करेंगे? जब स्वाद की अनुभूति होगी तभी तो प्रभु की स्मृति वापस लौटेगी, है ना माता? माता, मैंने उन्हें बाहर खेलते हुए देखा है, उन्हें बुलाकर लाऊं क्या? नहीं नंदी, उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच लाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। भोजन की इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? ये तो इस ओर से आ रही है। स्वागत है आपका। बहुत सुंदर है, ये क्या है देवी? चौसर, खेल का साधन, खेलेंगे आप? परंतु खेलना तो मैं नहीं जानता। मैं सिखा दूंगी, आप आइए बैठिए चौसर के उस ओर। खेल प्रारंभ करते हैं। अब यही चौसर आपको सब कुछ स्मरण दिलाएगा महादेव।
कुछ स्मरण आया? हाँ, स्मरण आया। क्या? यही कि मैंने आज से पहले इस खेल को कभी नहीं खेला है और ना ही कभी देखा है। आप तो उदास हो गए। नहीं, नहीं तो? मैं बताऊं, आप उदास क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपका कोई मित्र नहीं है और मित्र जीवन के आवश्यक अंग होते हैं। बना लीजिए किसी को अपना मित्र। आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए। मित्र मुझे मित्र कहकर आपने मेरी मृत आशा को जीवित कर दिया। मित्र, मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल मित्र? खेलने के क्रम में मैंने आपको भूखा रख दिया, आपसे भोजन के लिए पूछा ही नहीं। आइए भोजन कर लेते हैं। आपका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिना भोजन ग्रहण किए आपको कैसे पता? सुगंध से। सुगंध के कारण ही तो यहाँ चला आया मित्र। सुगंध से कुछ स्मरण आया? हाँ, स्मरण आ रहा है। ना जाने क्यों ये सुगंध परिचित सी लग रही है। भोजन करेंगे तो परिचित लगने का कारण भी समझ जाएंगे। आइए। नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता मित्र। क्यों? क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यदि आप वन में हो तो क्या आप वहाँ भी कंदमूल खाने के लिए? हाँ, वहाँ भी मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना कंदमूल नहीं ग्रहण करूँगा। मुझे गर्व है तुझ पे शिव, तूने पुनः सिद्ध कर दिया तू मेरा कितना आज्ञाकारी पुत्र है। अब सारा संसार तुझसे ही माता के महत्व को सीखेगा। अच्छा हुआ आप आ गई, आपकी आज्ञा के बिना ये मेरे घर पे भोजन नहीं कर रहे। आपसे आग्रह है इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर मेरे घर के भोजन का क्या होगा देवी पार्वती? वो तो नष्ट हो जाएगा। ये फिर कभी भोजन कर लेगा यहाँ, आज आज्ञा दीजिए। आज बहुत समय बाद हमें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। नरभक्षियों, अतिशीघ्र अग्नि जलाओ।
मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मित्र शिव, मित्र शिव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। शिव का त्रिशूल है। बुझ गई ना अग्नि। ये कैसे संभव है? एक शस्त्र ने अग्नि को बुझा दिया। ये तो मुझे कोई चमत्कारी शस्त्र लगता है। तो अभी इसका चमत्कार नष्ट करता हूं मैं। मेरा मित्र आ गया। मित्र, तुम्हें पता, ये लोग मुझे अपना हार बना रहे थे। तुम्हारे त्रिशूल ने मुझे बचा लिया। रोक लीजिए, रोक लीजिए अपने त्रिशूल को और हम सभी की रक्षा कीजिए। तुम क्षमा की योग्य नहीं है नन पिशाच। तुम मनुष्य होकर मनुष्य का आहार बनाते हो, इसे क्षमा मत करना मित्र। प्रभु, आज के बाद हम कभी ऐसा अधर्म नहीं करेंगे। हम कभी किसी मनुष्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे। और हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी माँ ने सिखाया है, क्षमा मांगने वाले को सुधरने का अवसर अवश्य देना चाहिए। अपनी माँ की शिक्षा के कारण तुम सबको क्षमा कर देता हूँ। देवराज, क्या आपके द्वारा अमृत कोषागार का प्रतिदिन निरीक्षण अनिवार्य है? त्रिदेवों की अनुपस्थिति में अनिवार्य है देवी, क्योंकि अमृत ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, सभी प्राणियों में प्राण वायु का स्रोत है। और यदि ये असुरों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। कोई घुसपैठिया सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुका है। सैनिकों, सब सतर्क हो जाओ। सैनिकों,
क्या लगा था तुझे कि मेरा रूप धारण करके तू अमृत तक पहुंच जाएगा? अमृत का सुरक्षा चक्र कोई नहीं तोड़ सकता। शीघ्र अपने वास्तविक रूप में आ। कौन है तू? वीर मायासुर हूं मैं। सज हो जाओ देवराज इंद्र। सावधान सैनिकों, वो बहरूपी तुम्हारे रूप में आकर छुपा है। दृष्टि पहनी रखो, बचने ना पाए। शीघ्र देवराज, अब क्या होगा? हमारे विचार से हमें संकट की सूचना आदिशक्ति को देनी चाहिए। प्रणाम देवी पार्वती, पधारिए, स्वागत है आपका। आज यहां महादेव की गिरजा नहीं, आदि शक्ति आई है, संपूर्ण जगत की माता आई है। आज प्रथम बार ये जगत माता विवश है। आज मैं यहां आपसे ये जानने आई हूं कि विश्व जिसे महासती महान देवी के रूप में जानती है, क्या उनका समाज के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति कोई दायित्व नहीं है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आज सकल ब्रह्मांड पर भयानक कष्ट आया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी पार्वती? सत्य कह रही हूं ऋषिवर। त्रिदेव की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से असुरों ने उत्पात मचा रखा है, और आज उन्होंने स्वर्ग में गुप्त रखे अमृत कोश को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अमृत कोषागार तक असुर? और भय ये है कि यदि किसी असुर ने अमृत के लोभ में अमृत कोषागार के सुरक्षा कवच को हानि पहुंचा दी तो महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्थिति अमृत मंथन से भी भयावह हो जाएगी माता, क्योंकि विष्पाई नीलकंठ महादेव के अतिरिक्त और किसी देवता में वो शक्ति नहीं है माता पार्वती, जो इस विष का पान कर सके और भूमंडल को नष्ट होने से बचा सके। देवी अनुसूया, ये समय हट धर्मिता का नहीं। यदि आपने त्रिदेवों को मुक्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं आदि शक्ति निवेदन करती हूं, त्रिदेवों को मुक्त कर दीजिए। कोषागार के चारों ओर सुरक्षा कवच, इसका अर्थ तो ये हुआ कि पहले मुझे सुरक्षा कवच को ऊर्जा के विस्फोट से नष्ट करना होगा, तो ही तो जाके प्रवेश द्वार खुलेगा। फिर इसके बाद अमृत पर केवल हम असुरों का अधिकार होगा।
जिसका भय था वही हुआ। देवराज अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा कवच पर हुआ आक्रमण इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि अब महाप्रलय को रोका नहीं जा सकता। ये क्या अनर्थ है ऋषिवर? ये क्या हो रहा है? ये विस्फोटक ध्वनि कैसी थी? ये ध्वनि उस अमृत कोषागार के सुरक्षा कवच के टूटने की ध्वनि है। और ये अंधकार उस विस्फोट से ऊर्जा उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। जिससे संपूर्ण भूमंडल में विष फैल रहा है। यदि समय रहते हमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो यह विष सारे संसार को नष्ट कर देगा। परंतु यह सब रुकेगा कैसे देवी? नीलकंठ महादेव ही इस विष का और इस हलाहल का समाधान है। देवी अनुसूया को निर्णय लेना होगा। महादेव के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, परंतु मैं जगत माता होने के नाते उन्हें रोकने का प्रयास अवश्य करूंगी। किंतु चिंता की बात यह है कि मैं अधिक समय तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। यदि आपके हृदय में संसार के लिए करुणा जाग जाए तो महादेव को मुक्त करके उन्हें भेज दीजिएगा, अन्यथा प्रलय के प्रहार के लिए सज रहिएगा। माता, हमें इस विष उत्सर्जन को रोकना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने वज्र से इसे रोकने का प्रयास करता हूँ। नहीं देवराज, यह भूल कदापि मत कीजिएगा। शक्ति के प्रहार से विष उत्सर्जन की शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। जब स्थिति ऐसी है तो संसार की रक्षा कौन करेगा? हलाहल से संसार की रक्षा करने वाले तो केवल एक ही है देवराज। जो इस समय बालक बनकर महासती अनुसुईया के पास है, क्योंकि शिव आज सारा संसार संकट में है और उसे केवल केवल तू ही बचा सकता है।
माँ, क्या आपको विश्वास है कि मैं संसार को बचा सकता हूँ? हाँ शिव, केवल तू ही बचा सकता है। माँ, आप अपने अश्रु पोंछ लीजिए। मैं ये कार्य संपन्न करके अपनी माता के पास शीघ्र लौटाऊंगा। क्या कहा तूने शिव? मैंने कहा मुझे आज्ञा दीजिए माँ, जाऊंगा तभी तो वापस लौट के आऊंगा। मेरा शिव। ये क्या कह दिया प्रभु ने? जिसके लिए सदा से संसार सर्वोपरि रहा है, उसके लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? पता नहीं अब इसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा संसार का। बहन सरस्वती, ये रत्न तो समुद्र मंथन से निकले हुए हैं और मैं भी उसी की उत्पत्ति हूं, तो क्या ये विश्वरत्न मुझे भी? नहीं बहन लक्ष्मी, केवल तुम ही नहीं, इस विश्वरत्न में हम सबको, संपूर्ण ब्रह्मांड को समाना होगा। नहीं महादेव, नहीं, अपनी आंखों के सामने मैं आपके इस संसार को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। आ जाइए महादेव, इस महाविनाश को रोक लीजिए। बहन पार्वती, सरस्वती, महादेव, आपके दर्शन किए बिना, आपसे क्षमा मांगे बिना ही जा रही हूं।
पहले आप ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दायित्व निर्वहन करने आई थी, संकट को रोकने का दायित्व। परंतु संकट तो आपको अपनी ओर खींच रहा था। यदि मैं समय पर ना आता तो आपकी उमा सदा के लिए आपसे बिछड़ जाती। मित्र, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ, रोक दूंगा संकट को। उसकी आंच भी आप तक नहीं आएगी। आइए मेरे साथ आइए। मित्र, मैं अभी आया माँ का आदेश पूरा करके। माँ के आदेश का पालन करने में संकट है, आप नहीं रोक पाएंगे विष को। माँ का विश्वास है मुझ पर, मैं अवश्य रोकूंगा। मित्र, शिव को रोकना होगा, उनका बाल शरीर इस विष के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। रुक जाइए महादेव। सर्वशक्तिमान शिव के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में विषपान की पीड़ा असहनीय हो गई थी, और ये तो बालक है। इस प्राणघाती विष के प्रभाव को कैसे सह पाएंगे? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए।
एक बार पुनः महादेव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे उस कालखंड के चक्र को पुनः दोहराना होगा, रोकना होगा मुझे विष को इनके कंठ में ही। इस हलाहल की पीड़ा को आपको अपने कंठ में ही सहन करना होगा महादेव, और आपकी शक्ति की शक्ति इस पीड़ा को सहन करने में सदैव आपकी सहायता करेगी। Thank you.
आपका आदेश पूरा किया। आपका विश्वास जीत गया मां। मैंने आपकी मूर्ति बना ली महादेव, और इसी के साथ आरंभ होती है मेरी भक्ति में प्रेम यात्रा, और ये यात्रा अब तब तक चलेगी जब तक मैं आपको पा ना लूं। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं अपनी प्रेम और भक्ति से आपको अवश्य पा लूंगी। इसका अर्थ है कि मेरे महादेव सती वियोग की विरक्ति से बाहर आ गए। मुझे अविलंब जाना होगा। ये धरती क्यों हिल रही है? लगता है भूकंप आ गया। ये तो किसी का हाथ है। कोई पाताल से बाहर आ रहा है। महादेव, महादेव, लकुलेश भूमिगत तप से बाहर आ गया है। महादेव, ये तो वही महादेव के परम भक्त लकुलेश है जो शिव को उनके प्राचीन आदि रूप से पहचानते हैं। महादेव, लकुलेश आ रहा है। महादेव, ये क्या? ये ध्वनि तरंग लुप्त क्यों हो गई? कहाँ चले गए महादेव? महादेव, लगुले जा गया महादेव, लगुले जा गया महादेव। कौन है ये पागल? इसे बाहर निकालो। महादेव, महादेव, वर्षों से आपने कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपको भूख लगवाता हूँ। लीजिए, भूख लगाइए, खाइए। प्रभु ऐसे भोग नहीं लगाते हैं। मैं ऐसे ही भोग लगाता हूँ। विघ्न मत डालिए मेरे महादेव के भोजन के समय पर। खाइए प्रभु, खाइए ना। अरे अरे, आप सुन नहीं रहे क्या? कब से कह रहा हूँ, सीधे मन से आकर भोग लगा दीजिए। देखिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरा क्रोध बढ़ रहा है,
नहीं खाएंगे आप तो अभी बताता हूं आपको। हाँ ठहराओ, कौन है ये पागल? हमारे भगवान का अपमान कर रहा है, इसे धक्के मार कर बाहर निकालो। बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो, चलो। जिस संसार में इस भक्त का सम्मान नहीं, वहां ना तो ये लकुलेश रहेगा और ना ही उसके भगवान महादेव। आज से अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। अकस्मात ये ऋतु में बदला? ये आकस्मिक परिवर्तन महादेव के मन में जन्म लेने वाले एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। वायुमंडल का यह अकस्मात परिवर्तन किसी बहुत बड़ी घटना का सूचक है देवी। शिव अब तक बाहर है ऋषिवर, ऐसे में उसका बाहर रहना उचित नहीं है। ऋषिवर, मुझे शिव की चिंता हो रही है। ऋषिवर, मैं जा रही हूं उसे वापस लाने। रुक जाइए देवी अनुसुईया, इस अवस्था में शिव के समीप मत जाइए, अनर्थ हो जाएगा। शिव 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 प्रभु प्रभु, ये क्या माता? प्रभु समाधि की गहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं रुकूंगी मेरे पुत्र को समाधि में जाने से। नहीं, नहीं रोकेंगे आप शिव को। एक माता को उसके पुत्र के निकट जाने से रोकने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए देवी पार्वती। ये मेरी चेष्टा नहीं, ये मेरा आदेश है, आदि शक्ति का आदेश। आप शिव के समीप नहीं जा सकती। पहले भी मेरी भूल के कारण संपूर्ण संसार पर अंधकार छा गया था। और विनाशकारी अंधक का जन्म हुआ था और उसके पश्चात क्या विध्वंस हुआ ये तो आप जानती हैं। मैं पुनः ऐसा नहीं होने दूंगी। माता पार्वती सत्य कह रही है देवी अनुसुईया, गहन समाधि की अवस्था में प्रभु के निकट जाने का अर्थ है अनर्थ को आमंत्रित करना। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने अबोध बालक को गहन समाधि में जाने के लिए छोड़ दूं? उसे उस अवस्था से जगाने की कोशिश में ना करूं? अवश्य रुके देवी, परंतु उनके समीप जाकर नहीं, प्रभु के नाम और उनके गाथा का पाठ करके ही उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाया जा सकता है।
और ये कार्य केवल माता पार्वती ही कर सकती है। माता, आप कृपा कर प्रभु को शिव और शक्ति की कथा सुनाइए ना। मेरे शिव को ध्यान से वापस कोई कथा नहीं, मेरा स्पर्श ही करेगा। मत जाइए समीप, मान लीजिए देवी पार्वती की बात। हाँ देवी, शिव को इस गहन समाधि से निकालने का प्रयास आप देवी पार्वती को ही करने दें। अभी आप चलिए, आइए मेरे साथ। सृष्टि के सृजन की पहली प्रेम कथा है। संसार के पहले पुरुष अनादि अनश्वर शिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति की प्रेम कथा। इन दोनों ने हर बार पुरुष और प्रकृति के रूप में जन्म लिया। परंतु ये कथा संसार में उस समय की है जब शिव विरक्त रूप से ध्यान में चले गए थे। और किसी को ज्ञात नहीं था कि शिव किस रूप में है, कहां गए, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर क्या हुआ प्रसन्न मित्र, क्या इतने बड़े संसार में कोई नहीं था उन्हें ढूंढने वाला? थी एक शक्ति जो उन्हें ध्यान से बाहर ला सकती थी। आदि शक्ति, आदि शक्ति ही थी जो उन्हें पुनः संसार में वापस लाकर उन्हें संसार से जोड़ सकती थी। तो क्या आदि शक्ति आई? हाँ, ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को आदेश दिया। प्रजापति दक्ष, तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। और प्रजापति दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करने हेतु और आदि शक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। और आदि शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। जिनका नाम था सती। सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और सबसे प्रिय भी। सती ने संसार में जिस विरक्त शिव को पाने के लिए, जिसे संसार से जोड़ने के लिए जन्म लिया, वही सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के कारण अहंकारी और शिव विरोधी हो गई। वो देखो, देखो कुलहीन आघोरी शिव के अपराध का प्रमाण।
ये कटा हुआ शीश किसका है? पिताश्री का। मेरे दादाश्री? ब्रह्मदेव का शीश है ये? हाँ। परंतु ये यहाँ आया कैसे? कटा कैसे? किसने काटा? उसी शिव ने। शिव ने? कारण? ईर्ष्या। मेरे पिताश्री की सफलता उससे देखी नहीं गई। उन दिनों पिताश्री के 5 शीश हुआ करते थे। इतना बड़ा अपमान किया है उसने पिताश्री का, इतना बड़ा अपमान। इससे पहले कि मैं उससे प्रतिशोध ले पाता, जाकर छिप गया कहीं वो कपालिक। अब आपकी पुत्री उससे प्रतिशोध लेगी। वो जहां भी छिपा ढूंढ कर उसको दंड देगी। शिव, अब नहीं बच पाओगे तुम। तुम्हारी शक्ति आदि शक्ति को शत्रु बना दिया है मैंने। शत्रु। सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ माया विष। तूने ही मेरे पितामह ब्रह्मदेव का शीश काटा है ना? सामने आओ, सामने आओ। तू अपने माया भी जाल से मुझे छल नहीं सकता। सती से छिपना संभव है। सामने आओ, सामने आओ। सती के हाथों दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। जिस शिव को प्रजापति दक्ष और संपूर्ण संसार सदियों से ढूंढ नहीं पाए, उन्हें सती ने ढूंढ लिया। यही सत्य है। पुत्र जिस रूप में रहना चाहते हैं, मां भी उसी रूप में ढल जाती है। यदि ध्यान में रहना तेरे लिए प्रिय है शिव, तो आज से मैं भी ध्यान में रहूंगी। तेरे ध्यान में रहने का कारण तो मुझे नहीं पता शिव, परंतु मेरे ध्यान में जाने का कारण केवल तू है। जब तक तू ध्यान से नहीं बाहर आएगा, तब तक मैं भी ध्यान से बाहर नहीं आऊंगी। ओम नमः शिवाय।
शिवा ओ नमः शिवा ये कैसा स्वर है? किसका स्वर है? कोई तो है जो शिव मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मेरे शिव के ध्यान में जाने के कारण कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? निश्चित ये मेरा भ्रम है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे मेरे ध्यान से भटकाने वाले इस स्वर का पता लगाना होगा, नहीं तो मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगी। यदि मैंने शुद्ध मन से सतित्व धर्म का पालन किया है, तो जो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे। देवी, आप यहां? आप तो तप करने गई थी, आप यहां कैसे? भूमिगत होकर तप में लीन शिव भक्त का पता लगाने का प्रयास कर रही हूं ऋषिवर। परंतु इस स्थान पर? हाँ ऋषिवर, मुझे प्रतीत होता है कि शिव का ऐसा कोई परम भक्त अवश्य है जो भूमिगत होकर साधना में लीन है, और मुझे आभास हो रहा है कि शिव के ध्यान में जाने का कारण भी यही भक्त है। अब मुझे केवल ये जानना है कि ये शिव भक्त कौन है ऋषिवर। देवी, शिव का ऐसा भक्त तो एक ही है, लकुलेश। आप सत्य कह रहे हैं, वो ऐसे भक्त थे जिसे मैंने अपने जीवन काल में उनके जैसा भक्त नहीं देखा। आज से, अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। इसका अर्थ यह है देवी कि बाल शिव और लकुलेश की ध्यान की अवस्था के मध्य कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। आप सत्य कह रहे ऋषिवर, मैं लकुलेश को ध्यान से बाहर लाने का प्रयास करूंगी, और जब तक लकुलेश ध्यान से बाहर नहीं आएंगे मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। ये महासती अनुसुया का प्रण है ऋषिवर। मैं शिव की माता महासती अनुसुया आप
आपसे अनुरोध करती हूँ, आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए अपने ध्यान से, आ जाइए नकुलेश अपने ध्यान से, जाग जाइए नकुलेश। माता, नकुलेश आ गया। माता, नकुलेश आ गया। आपने कहा कि आप शिव की माता हैं, तो अपने शिव की माता की पुकार सुनकर ये शिव भक्त नकुलेश क्यों ना आए? परंतु आप मेरे शिव की माता? आपका संदेह उचित है, परंतु यदि महादेव की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। मैं निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूं। इतना कुछ घटित हो गया और मैं ध्यान में लीन रहा, वंचित रह गया मैं मेरे महादेव की महिमा देखने से। कहाँ है बाल शिव? माता, आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उन्हें ध्यान से बाहर लेकर आऊंगा। प्रभु, मेरे बाल शिव, नकुलेश आ गया। क्षमा प्रभु, क्षमा, मेरे कारण आप ध्यान में चले गए और आपकी माता को दुखी होना पड़ा। मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु, ध्यान से बाहर आ जाइए प्रभु। मेरे कारण आपने जो बंधन स्वीकार किया है, ये भक्त नकुलेश उससे आपको मुक्त करता है प्रभु। प्रभु ध्यान से बाहर आ गए, मेरे प्रभु ध्यान से बाहर आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रसन्न मित्र, हमारी माता को धन्यवाद दीजिए। यदि वो ध्यान से बाल लाने वाले को नहीं लेकर आती तो मित्र शिव ध्यान से बाहर नहीं आता। मित्र मूड, माँ का प्रयास कभी असफल नहीं होता।
रुके मित्र। मित्र, मुझे आगे की कथा सुननी है। जानते हैं, जब आप कथा सुना रही थी तब ऐसा बोध हो रहा था मानो इस कथा से मेरा कुछ संबंध है। इसका अर्थ है कि मेरी कथा का प्रभाव आपके ऊपर हुआ है। अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया महादेव कि मेरी कथा ही आपको बाल शिव से महादेव में परिवर्तित करेगी। आपने उत्तर नहीं दिया मित्र। परंतु उसके लिए आपको नियमित रूप से मेरे घर आना होगा। आएंगे? हाँ, माँ से आज्ञा लेकर आऊंगा कथा सुनने। चले स्वागत है आपका मित्र। क्षमा प्रार्थी हूं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। नहीं मित्र, अपनों की प्रतीक्षा पीड़ा नहीं देती, अपितु भविष्य में आने वाले सुखद पल की सुखद अनुभूति कराती है। मैं कथा आरंभ करती हूँ। हाँ मित्र, शीघ्र। आइए विराजे, आओ मूर, आओ, कथा आरंभ करते हैं। सती के बाहरी आचरण से अत्यधिक प्रबल उनका प्रारब्ध था जो उन्हें उन तक लेकर चला गया, और प्रारब्ध को इस बिछड़ी युगल जोड़ी को मिलाना ही था, और इस क्रम में आठों पहर शिव ही उनकी आंखों के समक्ष घूमते रहते थे। कोई एक पल भी ऐसा नहीं था जब शिव उनकी स्मृति से लुप्त हुए हैं। और वहां मुख्य द्वार पर क्रोध से उबलते हुए प्रजापति दक्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सती कहां गई थी? महर्षि दतीजी के आश्रम। क्यों, किस लिए गई थी? अपने प्रिय शिव से मिलने। मेरे मना करने के उपरांत और ये जानते हुए कि उससे हमारा वैर है। परंतु मुझे तो उनसे प्रेम है पिताजी। सती, सती, सती। क्या वो निकृष्ट अघोरी भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करती हो? स्पष्ट रूप से नहीं जानती, परंतु मैं उनसे प्रेम करती हूं ये स्पष्ट रूप से जानती हूं पिताश्री। मैं सौंप चुकी हूं उन्हें अपना हृदय। मैं तुम्हारे उस हृदय को स्पंदनहीन बना दूंगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष को न विद्रोह पसंद है और ना ही विद्रोही। आप सब मेरे आमंत्रण में यहां पधारे। मैं प्रजापति दक्ष अपने सबसे छोटी पुत्री के स्वयंवर में आप सबका स्वागत करता हूं। दीन दीन दा, 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 दा,
पुत्री देख लो, सामने योग्य राजकुमारों के रूप में शयन के विकल्प भरे पड़े हैं। बिना किसी संकोच और दबाव के चयन करना, यह स्वयंवर है जहां तुम्हें स्वयं का वर चुनना है। सुना है आप बेलपत्र से ही रिच जाते हैं, परंतु आज आपकी आदि शक्ति आपके नाम की पुष्पों की माला लेकर आपको पुकार रही है। शिव, आप तो हर बार अपने रहस्यमय रूप से मुझे चमत्कृत कर देते हैं। देखती हूँ आज मुझे मेरे सच्चे प्रेम का प्रतिदान मिलता है या नहीं। मुझे विश्वास था शिव कि मेरा प्रेम, मेरा समर्पण निष्फल नहीं जाएगा। मेरे प्रेम को स्वीकार कर आपने पवित्र प्रेम की मर्यादा बचा ली। शिव, इस स्वयंवर में उसे ही भाग लेने का अधिकार है जिसे आमंत्रण भेजा गया हो। तो फिर तुम यहां कैसे आ गए? इतना भी नहीं जानते कि बिना आमंत्रण किसी के यहां जाने से अपमान होता है? प्रजापति, आपकी पुत्री का स्वयंवर है, आपने उसे चुनाव का अधिकार देकर एक श्रेष्ठ पिता होने का परिचय दिया है। और मुझे यहां आमंत्रण आपकी पुत्री ने दिया है। हाँ पिताश्री, शिव मेरे हृदय में बसते हैं। उन्हीं को समर्पित है मेरा सर्वस्व। वो मेरी इच्छा, मेरे आत्मनिमंत्रण पर यहां आए हैं। सती, क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? सदैव।
तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। प्रभु कन्यादान की तैयारी आरंभ करें। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरे इस राजमहल में तुम्हारे विवाह को कभी मान्यता नहीं मिलेगी। चले जाओ यहां से। ये यहां से अकेले नहीं जाएंगे पिताश्री। अब मैं इनकी विवाहिता हूं। यदि ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। पुत्री अभी भी समय है, अपना निर्णय वापस ले ले। ये इसकी चाल है, तेरे पिता को संसार के सामने हे और तुच्छ दिखाने की चाल। तू सुखी नहीं रह पाएगी इसके साथ, इसलिए इसके छलावे में मत आ पुत्री, इसके छलावे में मत आ। ये मेरे पति का अपमान है, और जहां पति का अपमान होता है वहां पत्नी का रहना अपमान है। मैं यहां एक क्षण भी नहीं रहूंगी। चलिए शिव, ले चलिए अपने कैलाश। चली जाओ यहां से और दोबारा यहां आने का कभी स्वप्न भी मत देखना। बंद हो गए तेरे लिए तेरे पिता के द्वार। चली जाओ यहां से। कहने को तो सती विवाह करके कैलाश चली गई थी, परंतु उनके वैवाहिक जीवन का सत्य कुछ और था। सती, मेरे हृदय की स्वामिनी होने के अतिरिक्त एक और स्वरूप है तुम्हारा, जिससे तुम अभी तक पूर्णतः परिचित नहीं हो पाई हो। आदिशक्ति का स्वरूप, उस स्वरूप को जानने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी उस सुप्त चेतना को जागृत करूंगा जो तुम्हारे अवचेतन में अवस्थित है। अपने नेत्रों को बंद करो सती। अपने नेत्रों को खोलो सती।
सती अपने मौलिक स्वरूप का दर्शन करके विचलित हो गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ अपने स्वरूप पर, और उसका परिणाम यह हुआ कि सती अपनी पूर्णता से वंचित रह गई। सती के इस व्यवहार से शिव का नैराश्य और बढ़ गया और वो दीर्घ ध्यान में चले गए। मास, वर्ष, ऋतुएं बीतती रही, बदलती रही, और यदि कुछ नहीं बदल रहा था वो थी सती की अवस्था। सती की प्रतीक्षा और शिव का ध्यान दोनों ही अंतहीन होते जा रहे थे, और सती ने एक और भूल कर दी। शिव इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी वामांगी से वामांग में बैठने का अधिकार छीन लिया। सत्य सत्य कहा था मेरे पिताश्री ने, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आपने केवल शत्रुता निभाई है मुझसे भी और मेरे पिताश्री से भी। मैं मात्र एक विजय प्रतीक हूं आपके लिए। मेरे पिताश्री को हे और तुच्छ साबित करने के लिए आप मुझे यहां लेकर आए। यदि आप आंखें नहीं खोलेंगे तो मैं ये सत्य स्वीकार लूंगी कि केवल आपके लिए एक वस्तु वस्तु। नहीं सती, ये सत्य नहीं है। हम दोनों वस्तु नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम दोनों सदा से एक दूसरे से प्रेम करते आए हैं और सदा एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। यही सत्य है। असत्य है ये, असत्य है शिव। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो अपनी सती को भुलाकर किसी और का ध्यान क्यों कर रहे थे? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? कौन है जो हर पल आपके ध्यान में है? जिसकी धुन और लगन में आप अपनी सती को भूल गए? आपके हृदय में बसने वाले उस प्रिय का नाम आपको बताना होगा। आपको मेरी सौगंध है, मेरी बताइए, बताइए। कदाचित इस बात को बताने का ये सही अवसर नहीं है। परंतु तुम्हारी सौगंध ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे हृदय में कौन बसता है? हाँ हाँ, जानना है मुझे शिव। मेरे हृदय में नारायण बसते हैं। उनके अवतार जिनका मैं ध्यान करता हूं, जो मेरे सर्वप्रिय हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, जो मेरे आराध्य हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिनीनागम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं श्री राम। ये राम कौन है? श्री राम नारायण के सातवें अवतार है माता। ऐसी क्या विशेषता है उनमें जो देवों के देव महादेव उनका ध्यान करते हैं? ये तो नहीं जानता माता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वो पुरुषों में उत्तम है। धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और माता, जब हमारे प्रभु महादेव उन्हें भजते हैं तब निसंदेह वे पूजनीय है, महान है। जो नव विवाहिता को विस्मृत करा दे उस पूजनीय और महान राम को परीक्षा देनी होगी। एक और सती श्री राम की परीक्षा लेने अपना रूप बदल चुकी थी, दूसरी ओर नंदी एवं गण प्रेत इसकी सूचना देने शिव के पास पहुंच गए थे। माता बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं प्रभु, आप उन्हें रोक लीजिए प्रभु। केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। सती को अब अपनी अपूर्णता का परिणाम भुगतना होगा। माता सीता, प्रणाम माता आदिशक्ति। आप यहां अकेली? प्रभु महादेव कहाँ हैं? कितने सौभाग्य की बात है कि जिस शक्ति के बिना शिव की पूजा नहीं की जाती उस शिव की पूजा को सफल बनाने में माता आदिशक्ति स्वयं पधारी है। आपका सीता से शीघ्र मिलन। क्षमा प्रार्थी। माता आदिशक्ति को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है,
क्षमा अपने मन में उपजे उस संदेह के कारण जिसके कारण मैंने आपकी परीक्षा ली, जो आदिशक्ति की माया को भेद सकता है वो निश्चय ही परम ब्रह्म ही हो सकता है। शिव के आराध्य श्री राम को मेरा प्रणाम। अब आगे की कथा पढ़ सन मित्र, सती ने उसके उपरांत क्या किया? सती को अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी और वो कैलाश वापस लौट गई थी। रुक जाओ सती, तुम यहां मेरे समीप नहीं बैठ सकते। मेरे वा मांगी होने का अधिकार तुम खो चुके हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके वा मांग में बैठना मेरा अधिकार है। मुझे पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि तुम अब केवल मेरी अर्धांगिनी हो, वामांगी नहीं। मेरे स्पष्टीकरण देने के पश्चात भी तुमने मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। और इसी क्रम में तुमने उस स्त्री का रूप धारण किया जिन्हें मैं माता के रूप में पूजा करता हूं। आदिशक्ति की अयोग्यता इस संसार के नियम, धर्म, कर्म सब पर एक प्रकार का कुठारघात है। श्री राम की घटना के पश्चात कई समय तक कैलाश पर शांति छा गई थी। क्षुब्ध शिव गहन ध्यान में चले गए थे। और सती एकाकी जीवन जी रही थी कि तभी अप्रत्याशित कुछ ऐसा घटा जो शिव और सती की कहानी में एक नया मोड़ लाने का कारक बन गया था। नारायण नारायण। प्रणाम माता। कहिए आपने किस हेतु मेरा आह्वान किया है? आकाश की ओर देखिए, कहां जा रहे हैं ये सभी देवता एक साथ? ब्रह्मांड की किस घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं? संसार तो घटनाओं का गढ़ है माता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिदिन घटता ही रहता है। आप उस ओर से ध्यान हटा लीजिए। आप मुझसे क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं? कुछ नहीं माता। आपको आपके ज्येष्ठ भ्राता की पुत्री की सौगत। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा माता। ये समस्त देवगण एक यज्ञ में जा रहे हैं, तो ये बात आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो यज्ञ आपके पिता प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, शतकुंडी यज्ञ, वो भी बिना आपके और महादेव के। माता, मेरा आपसे यही परामर्श है कि आप इस यज्ञ को भूल जाइए। नहीं देवर्षि,
इस यज्ञ को भुलाना उचित नहीं होगा। पुत्री का एक धर्म होता है, पिता यदि क्रोधित हो तो पुत्री उनकी उपेक्षा नहीं करती और अपने पिता के घर जाने के लिए एक पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, और आप देखना मेरे पिताश्री मुझे देखकर हर्षित होंगे। मुझे नहीं लगता है कि प्रभु आपको वहां जाने की अनुमति देंगे। मुझे उनकी अनुमति चाहिए भी नहीं, मैं यज्ञ में स्वयं जाऊंगी और शिव के बिना ही जाऊंगी। सती, मैं जानती हूं आपके यहां आने का अभिप्राय क्या है। अब यही पूछना चाहते हैं ना कि बिना आपकी आज्ञा, बिना आपके परामर्श, बिना आपके अनुमति मैं घर कैसे जा रही हूं? ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया मुझे? नहीं सती, मेरे यहाँ आने का अभिप्राय तो मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में मेरे मायके जाने का है। ये तो प्रसन्नता की बात है। यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना कदाचित उचित नहीं है। संभावना है तुम्हारे अहित की, संभावना है तुम्हारे अपमान की, और मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं। तुम्हारा अपमान सह नहीं पाऊंगा। पिता है वो मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, और यदि आपको इस बात का डर है कि मेरे वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आपको मेरी सौगंध है। मेरा अनिष्ट होने के पश्चात भी आप वहां नहीं आएंगे। मैं जा रही हूं शिव। मुझे रोकने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। सती ने चिताओं के बीच जिस यात्रा पथ का चुनाव किया था वो आगे चलकर केवल अंगारों से भरा था, और उस अंगारों की आंच से केवल सती को ही नहीं सारे संसार को पीड़ा पहुंचने वाली थी। We'll be right back.
वही स्वभाव, वही कठोरता। आप बिल्कुल नहीं बदले पिताश्री। अपने पिता के जिस स्वरूप को मैंने बाल्यकाल में देखा था, आज भी वही देख रही हूं। वही क्रोध, वही रुष्टता। परंतु जैसे ही मैं क्षमा मांगती थी, आप मुझे क्षमा कर देते थे। तो लीजिए पिताश्री, आ गई आपसे क्षमा मांगने। यदि मेरी किसी बात से आपको आघात पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। समझ गई। पिता को मनाने के लिए पिता मां से बात करनी पड़ेगी। प्रणाम पितामह। प्रणाम श्री नारायण। पितामह, पिताश्री से कहिए ना कि क्रोध त्याग दे। आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं। पुत्री सती, तुम तो बाल्य अवस्था से जानती हो कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष हटवादी हैं। वो क्रोध को कदापि नहीं त्यागेंगे। ये क्या पितामह, आपने प्रयास करने से पूर्व ही कह दिया कि वो क्रोध नहीं त्यागेंगे। अब क्या मुझे श्रीहरि नारायण का मनोहार करना पड़ेगा? प्रभु, अपने आराध्य शिव की वामांगी के लिए अब आप ही को कुछ करना होगा, जिससे पिताश्री का क्रोध शांत हो जाए। श्री नारायण के पास निरर्थक बातों के लिए समय नहीं है। यज्ञ आरंभ होता है, शांति रखी जाए। शिव के अंश का अवश्य नहीं डाला, लगता है भूल गए। त्रिदेव तीन और आसन केवल दो। यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना मर्यादा के विरुद्ध है। और पति होने के नाते मैं तुम्हें उस अपमान की पीड़ा को नहीं सहने दूंगा। पिताश्री, ये शिव का अपमान है। अपमान उसका होता है जो सम्मान के योग्य होता है, और मेरी दृष्टि में वो अपमान के योग्य भी नहीं है। वो आपके जमाता है और जमाता आपकी प्रतिष्ठा। उनके विषय में ऐसी निम्न स्तरीय बातें आप भरी सभा में कह रहे हैं। वो आपकी पुत्री के पति हैं। पुत्री थी, अभी नहीं है। तेरी अंत्येष्टि मैंने उसी दिन कर दी थी जिस दिन तू उसके साथ यहां से विदा हुई थी। इसीलिए मैंने तुझे आमंत्रित भी नहीं किया इस यज्ञ में, फिर भी तू आ गई बिन बुलाए।
इसलिए कि तू और वो कपालिक दोनों चाहते थे कि मैं उस अघोरी का सम्मान करूं, उसे स्थान दूं, उसे यहां बुलाऊं। नहीं, ये सत्य नहीं है। यदि ये असत्य है तो उसने तुझे यहां आने से रोका क्यों नहीं? प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में शिव का अपमान करते रहे। अपने पिता के इस अहंकार को देखकर सती ने क्या किया? सती के अथक प्रयास के पश्चात भी जब प्रजापति दक्ष नहीं समझे तो अंततः सती ने वो निर्णय लिया जिसके लिए संसार आज भी शिव और सती की कथा को भुला नहीं पाया। कैसा निर्णय मित्र? तू मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे समझाने के पश्चात तू शिव का हाथ पकड़कर मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मृत आत्मा क्यों आई है मेरे पास? किस उद्देश्य से आई है? मैं बताऊं तू क्यों आई है? मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर शिव की इच्छा पूर्ण करने आई है तू। और देख, तूने शिव की इच्छा पूरी भी कर ली। चले गए रुष्ट होकर मेरे आराध्य नारायण और पिता श्री ब्रह्मदेव। अब तू क्यों रुकी है? तेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया ना, तो फिर चली जा यहां से। परंतु अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे पिताश्री? क्या कहूंगी मैं शिव से? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी उनसे? पूछेंगे कि मायके में उनका अपमान हुआ तो मैं जीवित कैसे रह गई, तो मैं उत्तर क्या दूंगी? नहीं पिताश्री, नहीं। अब मैं शरीर के साथ शिव के समक्ष नहीं जा सकती। शिव के अपमान को देखने वाली सती को मिटना होगा। पिताश्री, आज तक मैं आपके लिए मानसिक रूप से मृत थी, परंतु आज मेरी शारीरिक अर्थात सांसारिक मृत्यु होगी। मैं आज यही इसी क्षण अंत करूंगी अपना, वो भी इसी यज्ञ स्थल में। बैठ जाइए, हम यज्ञ पर बैठे हैं। यज्ञ पूर्ण होने तक स्थान से उठा नहीं जाता। स्वामी, अग्निदेव प्रकट होइए और जलाकर भस्म कर दीजिए मुझे। Satyan!
आपकी आंखों में आंसू? ना जाने क्यों इस कथा की पीड़ा अपने से लगी। सती का जलना मेरी आत्मा को वेद गया। ऐसी अनुभूति क्यों हुई मैं? क्योंकि आपकी कथा। आप भावुक है ना मित्र, इसलिए ये कथा सुनकर आप मनमाहत हो गए। कदाचित यही कारण होगा। आगे जो हुआ वो महाविनाशकारी था। शिव के क्रोध ने तो नए अवतारों को जन्म दिया। दूसरा शिव का रौद्र रूप वीरभद्र। तेरा काल आ गया। हर शिवद्रोही को दंड मिलेगा। अस्त्र शस्त्र पराद्रवे शत्रु शक्ति न हंत्रे च महापाद संकटे शत्रुदान प्रहारते। वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर भद्रकाल लोचनं पिशाच भूत नायकं जटा प्रटा भुजंगरा कपाल काल शोभनं भद्रकाल लोचनं पिशाच भूत नायकं जटा प्रटा भुजंगरा कपाल धर से अलग होगा। हर हर महादेव। वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर। फिर सती वियोग में महादेव ने क्या किया? स्वयं को रोक नहीं पाए और सारे बंधनों को तोड़कर चले आए अपने प्रेम अपनी सती के पास।
उठो सती, देखो तुम्हारे शिवा है। क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी सती? क्यों मुझे सौगंध पाश में तुम बांध कर चली? आज तुम्हारा ये शव पुनः शव में परिवर्तित हो गया सती। आज से और इस क्षण से मेरे लिए सब कुछ अर्थहीन हो गया है। सती की मृत्यु के उपरांत शिव विक्षिप्त हो गए थे। सदियों सती के शव को लेकर इस आशा में भटकते रहे कि वो जीवित हो जाएंगे और संसार में शिव की विक्षिप्तता से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नारायण, समस्त देवी देवताओं की चिंता उचित है। यदि महादेव का विराग नहीं रुका गया तो प्रलय निश्चित है। नारायण, हमें शीघ्र अति शीघ्र सती के शरीर को महादेव से अलग करना होगा। किंतु नारायण, सुदर्शन चक्र तो सती के अंगों को काट रहा है। सती के ये दिव्य अंग धरा के जिन जिन स्थानों पर गिरेंगे वे शक्ति पीठ बनेंगे। ये शक्ति पीठ भिन्न भिन्न नामों से जाने जाएंगे और जो यहाँ साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, निसंदेह उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्र, ये प्रेम का कौन सा स्वरूप था? प्रेम का सबसे प्रलयकारी रूप था।
सती के बाद आदि शक्ति ने किस रूप में जन्म लिया? शिव, इस कथा को यही पूर्ण समझो और घर चलो। शिव और सती की कथा समाप्त हो चुकी है देवी पार्वती, और यदि मैं समझने की भूल नहीं कर रही हूं तो आप शिव को शिव पार्वती की कथा सुनाना चाहती है जो मेरी दृष्टि में मेरे पुत्र को मुझसे छीनने का एक निम्नस्त्री प्रयास है। इसीलिए अब मैं मेरे पुत्र शिव को शिव पार्वती की कथा सुनने की अनुमति नहीं दे सकती देवी पार्वती, और आप चेष्टा भी मत कीजिएगा।